हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मक्के की आटे की कचौड़ी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, पसंद आएगा बच्चों को भी। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, एक कटोरी हम मक्के का आटा लिए हैं, इसमें डालेंगे हम अजवाइन तरक रस करके, थोड़ा सा नमक, इसमें डालेंगे हम एक चम्मच तेल। तो तेल अभी हम एक ही चम्मच डाले हैं, एक चम्मच और डालेंगे बस। उसके बाद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस देखिए, अच्छी तरह से मसल लिए हैं, तो अब ये मुट्ठी बन रहा है। तो बस अब इतना ही मोइन देना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो लगाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इतना सॉफ्ट डो लगाए हैं, क्योंकि ये मक्के का आटा है ना, तो इसको थोड़ा सा भी कड़ा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट लगाए हैं डो। अब इसको हम ढककर साइड रखते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, चार उबला हुआ आलू है जिसे हाथों से फोड़ लिए हैं, और इतना एक प्याज है, दो हरा मिर्चा कटा हुआ है, धनिया पत्ती है। तो चलते हैं इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो गैस जलाकर कढ़ाई रख दी है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, पीला सरसों, आप काला पीला कोई भी सरसों डाल सकते हैं, एक चुटकी हींग। अब इसमें डालेंगे प्याज और मिर्चा डाल देंगे जो कटा हुआ है। और ये देखिए, प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चा, इसमें अब उबला हुआ हम आलू डाल देंगे। खूब बढ़िया चटाकेदार स्टफिंग तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो हम जो चीज़ें डाल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ही वही डालिए, आप अपने पसंद की चीज़ें डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसमें हम चटपटा स्वाद के लिए ये मैगी मसाला डाल रहे हैं। तो आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं मैगी मसाला हम डाल रहे हैं, इससे थोड़ा अलग स्वाद लगेगा फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिए, हम अपने तरीके से बना रहे हैं, तो मैगी मसाला बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो हम उसी तरीके डाल रहे हैं। आप और दूसरा भी कोई मसाला डाल के बनाएंगे ना, तो भी टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा इसमें जीरा धनिया का पाउडर डाल रहे हैं रोस्ट हुआ, टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, खूब अच्छी तरह से देखिए घुमा घुमा कर भून लेंगे आलू को। तो इसमें हम अमचूर नहीं डाल रहे फ्रेंड्स, क्योंकि मैगी मसाला में खट्टा होता है, तो अगर आप मैगी मसाला नहीं डाल रहे हैं तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर ज़रूर डालिए, इससे चटपटा स्वाद आएगा। तो धनिया पत्ती थोड़ा ज़्यादा ही डाले हैं, अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ में पड़ जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे और स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और ये देखिए, इधर डो को अच्छी तरह मसल लेंगे। तो देखिए, इतना डो है सॉफ्ट, ऐसे ही होना चाहिए। और आलू की स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, तो इतना बड़ा हम लोई ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि ये मक्के का है ना, तो थोड़ा सा तो टूटने का डर होता है, इसलिए थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह घुमा कर इस तरह गोला बनाएंगे। और स्टफिंग को इसमें हम डाल देंगे और चारों तरफ से इस तरह सेट करेंगे। इस तरह से कवर कर देंगे। तो इस तरह से हम कचौड़ी तैयार करेंगे। तो सारा हम बना लेते हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं होती है, टूटने का उतना डर नहीं होता फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई कीजिए। देखिए, आराम आराम से इस तरह बनाएंगे ना, तो टूटेगा नहीं, आराम से बन जाएगा कचौड़ी। ये देखिए,
इस तरह से। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, इतना इस तरह बना के खा कर देखिए। और इस तरह हम कवर कर देंगे और हल्का सा इस तरह प्रेस कर देंगे, ये देखिए इस तरह। तो बाकी सब बना लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हम बना लिए हैं, तो उधर तेल रख दिए हैं गरम होने के लिए, तो चलते हैं फ्राई करने। और तेल गरम हो चुका है तो हम डाल देंगे इस तरह से, आराम आराम से डालेंगे इस तरह। मीडियम रहेगा, मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे कि अच्छी तरह से अंदर से पूरा अच्छी तरह हो जाए, कच्चा ना रहे। तो बहुत ज़्यादा तेज आंच पे नहीं फ्राई करना है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, उलटते पुलटते इस तरह से हम फ्राई कर रहे हैं, तो देखिए कितना कलर चेंज हो गया है। दूसरे साइड भी हम अच्छी तरह फ्राई करके फिर निकालेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह फ्राई हो चुका है तो हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितना मस्त मक्के की कचौड़ी तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो बाकी का भी डाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, उलटते पुलटते अच्छी तरह हम इसे भी फ्राई कर लिए हैं, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत देखने में इतना सुंदर लग रहा है, बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर मक्के की कचौड़ी आप तैयार करके देखिए, खाकर बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो इसको हम निकाल लिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मक्के की कचौड़ी बिल्कुल रेडी है, कितना मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसे आप कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं, अपनी कोई भी मनपसंद चटनी के साथ। इसको अभी हम तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए कितना खस्ता बना हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ।